और मेरे भाइयों क्या हाल चाल। तो बोले यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि हमारे OB46 अपडेट करने के बाद हमारे हीरसो सेंसिविटी बहुत ही बड़ी चेंज हो चुका है। एंड हाँ, बोले कस्टम HUD के अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आता है, जैसे कि कोई भी गन से हम मतलब कि जैसे कि भागने वाला मूवमेंट का जो बटन आता है, या तो जूमेक्स वाला बटन आता है, या तो गन शॉट अलर्ट का जो बटन आता है ना, उसका सारा का सारा प्रॉब्लम हो चुका है। तो उस वजह से हमारे अब क्या करें, जो कि OB46 अपडेट तो बहुत बढ़िया है क्योंकि हेडशॉट अच्छे खासे लगते हैं, बट कभी भी क्या हो जाता है, एम हो जाता है बंदे पे बट हेडशॉट नहीं लगता है। बस ये सारी की सारी प्रॉब्लम है ना, मैं एक ही वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बता दूंगा। एंड हाँ, बोलो यहाँ पे एक ही चुटकी में, तो भाई क्या बताऊँ, यहाँ पे अगर मेरी तरीके से ऑटो हेडशॉट मारना चाहते हो तो मेरी तरीके से आपको सेंसिविटी एंड सेटिंग आपको यूज़ करनी पड़ेगी। एंड हाँ, पहले जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। किसी भी यहाँ पे बिना स्किप किए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड हाँ, पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी को 500 डायमंड का एक कोड रखा है। अगर वो 500 डायमंड का जो कोड है ना, वो मैं आपको एक जगह पे मिलेगी कोड डालने को बोलूँगा, वो कोड डाल दोगे तो आपके अंदर आपके अकाउंट के अंदर 500 डायमंड आ जाएंगे। तो भाई सारी की सारी इस वीडियो के अंदर सब कुछ भाई बहुत ही मज़े ही मज़े है। तो भाई वीडियो को बिना स्किप मतलब कि स्किप करके मत देखना, वरना आपका ही नुकसान है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे सेट नहीं किया है तो कर लो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। बोले यहाँ पे आपको सबसे पहले नॉर्मली फ्री फायर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर बेसिक होगा, उसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको देखना है सेटिंग स्कैन। तो सेटिंग स्कैन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको सीधा अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको सिंपल सा अपलोड पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कस्टम HUD है ना वो हिलेगा नहीं। एंड आपका जब भी कोई भी अपडेट आती है, या तो आपको फ्री फायर डिलीट भी हो जाती है और फिर डाउनलोड करना होता है, तो आपका कस्टम HUD ऑटोमेटिक चला जाता है। अगर ये अपलोड करोगे ना तो आपका मतलब क्या करना है, बस सीधा फ्री फायर को ओपन करना है अपने जो भी ID है और सीधा डाउनलोड कर देना है। तो उसी तरीके से आपका जिस तरीके से मतलब कि सेंसिविटी एंड सेटिंग जो कस्टम HUD ना वैसा का वैसा रह जाएगा। अब दूसरा सेंसिविटी, तो भाई यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट बात हम बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे आपको देखो कंट्रोल के अंदर आपको जाना है। कंट्रोल के अंदर जिस तरीके से जाओगे ना तो सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एनिमी ऑफलाइन। तो भाई लोग यहाँ पे आप जिस तरह की आप देख सकते हैं ऑफलाइन मतलब कि ऑफलाइन, तो भाई उसी वजह से यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऑन ऑफ वाला जो बटन है ना उसको आपको हमेशा ऑफ नहीं रखना है, ऑन ही रखना है। अगर आप ऑफ रखोगे तो आपके साथ बहुत सारी दिक्कत आएगी, जब भी एनिमी आएगा तो आपका एनिमी की नोटिफिकेशन आती है उस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा बंदा किस साइड से मार रहा है। और उसका दो ऑप्शन है, मैं एक आपको बाद में भी दिखाता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जाऊँगा ना जिस जैसे तुरंत आप सभी को दिखाऊंगा। एंड हाँ, बोले यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हो चुका है, जैसे कि वो भी अपडेट करने के बाद यहाँ पे कितनी बार मतलब कि हमें जो ब्लॉक करता हूँ ना, हमारी जो रिक्वेस्ट आती है लॉबी के अंदर बंदों की, तो वो ब्लॉक ही नहीं होती है। तो क्या बताए यहाँ पर बंदों को यार, है इसी वजह से। चलिए भाई लोग अब बात करेंगे, यहाँ पे आपको देखो डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको जिस तरीके से रखना है ग्राफिक्स उसी तरीके से रखना है। अगर 2GB है तो स्मूथ रखना है, 3GB है तो आपको स्टैंडर्ड, और अल्ट्रा है तो आपको 5G मतलब कि 56GB रैम, 6GB रैम, 8GB रैम, इस तरीके से आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको हिसाब से वजह से अगर लेग ना होता है तो आप कितना भी रख सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देखो नीचे की साइड जाओगे तो आपको गन शॉट अलर्ट है ना उसको आपको हमेशा ऑन रखना है, न कि बंद रखना है। अगर आप बंद रखोगे तो दोस्तों आपका जब भी आपके पास एनिमी आएगा ना, या तो एनिमी आपको फायर करेगा ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और नोटिफिकेशन तो क्या है, यहाँ पे आपको उस साइड किस साइड से मार रहा है वो आप सभी को देखने को मिल जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको नेटवर्क के अंदर जाएंगे, नेटवर्क के अंदर यहाँ पे आपका कभी भी मतलब कि आपका नेट चला जाता है तो आपका ऑटोमेटिक वाईफाई चल जाता है। वाईफाई चलने के बाद यहाँ पे किसी का भी अगर आपका यूज़ किया हो तो आपको ऑटोमेटिक मतलब कि वो पकड़ जाता है, मतलब कि ऑटोमेटिक उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। एंड हाँ, एक और भी बात है, जब भी मतलब कि जाता है तो आपका थोड़ा थोड़ा पिंग नॉर्मल हो जाता है और आपका थोड़ी देर आपकी गेम चलती रहती है, तो आपके क्या आपका माइनस या तो आपका किसी भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे जब भी मतलब कि ऑटो हेडशॉट मारने के लिए सबसे बेस्ट होता है सेंसिटिविटी के अंदर जो सेटिंग होता है वो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री लुक के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा फ्री लुक इतना ज़्यादा हेडशॉट मारने में काम नहीं आता है, फिर भी यहाँ पे हमने 50 रखा है, तो भाई क्या बताए यहाँ पे आप भी रख सकते हो, या तो आगे पीछे आप भी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
अब बात करूंगे यहाँ पे आपको स्नाइपर स्कोप के बारे में। दोस्तों अब से बात जो भी बात आएगी वो मेरी तरीके से रखना पड़ेगा, आपको जिस तरीके से रैम हो उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मैं देखो 2GB, 3GB, 4GB, 6GB तक ये मैं आपको सेंसिटिविटी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 8GB है तो आपके पास ये सेंसिटिविटी नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ पे जो भी मैंने आगे सेंसिटिविटी जो सेटिंग बताया ना उस तरीके से करके अभी अब निकल जाओ, क्योंकि अब आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगर आपको 2GB, 3GB, 4GB, 6GB तक मोबाइल है तो वो भाई प्लीज़ यार रुक जाना। अब देखो यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट किस तरीके से रखा है 160, क्योंकि यहाँ पे आपको है ना दूर से लॉन्ग रेंज से मारने के लिए हमारी जो सेंसिटिविटी होती है वो मतलब कि ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हमें ड्रैग हेडशॉट मारना है। जूमैक्स के अंदर जो भी बंदा ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश करता है तो भाई मान लो कि ये सेंसिटिविटी है ना भाई, कसम खा के बता रहा कि ऑटो हेडशॉट मारने की जैसे कि पता भी नहीं चलेगा आप बंदे को किस तरीके से मारोगे, क्योंकि यहाँ पे OB40 से अपडेट करने के बाद यहाँ पे मतलब कि ये 160 सेंसिटिविटी है ना भाई पेड़ के अंदर ही, मैंने भाई कसम से ये यूज़ किया है इसलिए यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ, बंदों पे किस तरीके से आप मारोगे पता भी नहीं चलेगा बंदों को किस तरीके से ये मार रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे आपको 2X के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता होगा 2X है ना मैं जैसे कि एक्सएमएड होता है, UMP है, MP5 है, तो आपको है ना उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर यहाँ पे एक्सएमएड के अंदर यूज़ होता है। तो अगर आपको एक्सएमएड जब भी चलाना हो तो आपको 100 कर देना है आपकी सेंसिटिविटी, अगर आपको अगर नहीं चलाना है तो आपको 70 या तो 71 रखना है, क्योंकि ऑटो हेडशॉट मारने के लिए यही सबसे बेस्ट है। अब गाइस बात करेंगे यहाँ पे आपको रेड डॉट के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा रेड डॉट है ना मतलब कि हेडशॉट मारने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, बट यहाँ पे बंदे क्या करते हैं 200 के 200 हेडशॉट ले जाता है, फिर यहाँ पे बंदे पे एम तो करते हैं बट बंदे पे हेडशॉट नहीं लगता है। अरे भाई भाई किस तरीके से लगेगा, आपने 200 से 200 हेडशॉट मतलब कि रेड डॉट लगा लिया तो आपका किस तरीके से लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितना रखना है 185, तो अगर आप एक बार 185 करके रखो और फिर आपने आगे तो मेरी क्लिप देख लिया मैंने किस तरीके हेडशॉट मारा था, तो आप भी मेरी तरीके से हेडशॉट मारोगे, इसलिए यहाँ पे आपको रेड डॉट है ना 185 रखना है, आगे पीछे ज्यादा नहीं ले जाना है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जनरल सेटिंग के अंदर। दोस्तों यहाँ जनरल सेटिंग वो इसलिए होता है कि आपका बंदा इतना मूवमेंट करता है और इतना ड्रैग हेडशॉट खींच सकता है जितना आप हाई रखते हो आपके मोबाइल के हिसाब से, नहीं कि यहाँ पे आपको मेरी तरीके से रख दोगे। बट यहाँ पे देखो मैं मोबाइल के हिसाब से बताऊंगा, 2GB, 3GB, 4GB, 6GB तक यहाँ पे जो भी मोबाइल है उनके लिए यहाँ पे आपको है ना 185 या तो 160 भी रख सकते हो, क्योंकि 185 और 160 के दोनों के बीच आपको ये रख सकते हो, क्योंकि आपको वो ट्रेनिंग मोड के अंदर जाके आपको ट्राई करना है तभी। ओके, तो आप ये सेंसिटिविटी जो मैंने बताई उसी तरीके से आपको रखना है, इधर उधर मत ले जाना। एंड हाँ दोस्तों 500 डायमंड आपको लेना है तो क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना है, और उसको स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टा पे DM करना है, वो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टा की, तो जाओ और जल्दी से मुझे है ना मतलब एक कोड आपको मिला होगा, वो कोड आपको क्या करना है बस मुझे इंस्टा पे भेज दो और मेरा सब्सक्राइब करके। तो चलिए भाई यही थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई क्या बताए जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके आप लोग कर देना है, और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।